माशाल्लाह हमारी बहुत ही जबरदस्त पुदीने की हरी चटनी तैयार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको हैरियत से रखे। व्यूअर्स, आज हम आपको पुदीने की चटनी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। तो पुदीने की हरी चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो कुछ इस तरह है। टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज के हमने ले लिए, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के हमने ले लिए थे, सब्ज मिर्चें 10 अदद इनको हमने छोटा छोटा काट लिया था, धनिया एक छोटी गुटी ले ली थी, पुदीना भी एक छोटी गुटी ले ली थी, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, अनारदाना 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, साबत जीरा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और पानी हसबे जरूरत, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह बनाते हैं। पुदीने की हरी चटनी बनाने के लिए हम एक चॉपर ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें टमाटर डाल के उनको थोड़ा चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि पेस्ट थोड़ा थिक हो चुका है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे। सब्ज मिर्च को भी अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। अभी हम इसमें धनिया डाल लेंगे। हम एक एक चीज करके चॉप करेंगे, इस तरह बिल्कुल अच्छे से चॉप हो जाएगी। एक साथ अगर डालेंगे तो इतना अच्छी तरह से वो चॉप नहीं होता। पुदीने के पत्ते हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, अभी इनको भी अच्छी तरह से चॉप करेंगे। अभी हम इसमें सारे मसाला जात ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अनारदाना, नमक, साबुत जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरह से अब चॉप कर लेंगे। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको चॉप करना पड़ेगा ताकि हर चीज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
ये देखें माशाल्लाह पुदीने की हरी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त पुदीने की हरी चटनी तैयार है। आप इसको बारबेक्यू के साथ या दही में डाल के चना चाट या पापड़ी चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं एक हफ्ते के लिए, तो जितनी आपको जरूरत हो उसको निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद अच्छी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।